सो हेलो फ्रेंड्स, सर कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स सर, आज मैं खेलने वाला हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2, और ये ऑनलाइन गेम है। और आज तो भाई इस गेम की वजह से ना यार, जो असुस टफेस 17 में जो इसका ग्राफिक्स कार्ड डला है, जो कि निविडिया का जी फोर्स RTX 3050 है ना भाई, उसकी तो बैंड बजने वाली है। क्योंकि भाई ये गेम बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक कंज्यूमिंग गेम है। और फिलहाल जब मैं इस गेम को बिल्कुल नॉर्मल सेटिंग्स पर खेल रहा हूँ ना, तब भी तो जो अभी जो हमारे ग्राफिक्स का, ठीक है, जो वी रैम होती है वो 4GB है, लेकिन ये रैम बिल्कुल नॉर्मल ग्राफिक्स पर भी ये गेम लगभग हमारे 7.5 या 8GB तक रैम कंज्यूम कर रहा है, वी रैम कंज्यूम कर रहा है, जो कि इतना हैवी नहीं, लेकिन फिर भी इतने अच्छे ग्राफिक्स निकाल के दे रहा है। तो ग्राफिक्स तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी आ रही है। और इसके FPS भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, लगभग 70 FPS आ रहा है, और 13GB तक रैम यूज़ हो रही है। टेम्परेचर तो कम ही रहेगा थोड़ा, और CPU क्लॉक भी 4000 तक है, लेकिन भाई यार ग्राफिक्स कार्ड ही तो बैंड बज रही है बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि 4GB का ग्राफिक्स कार्ड और बिल्कुल नॉर्मल सेटिंग्स पे ये 7 से 8GB कंज्यूम कर रहा है गेम। तो ये तो भाई बहुत ही, मतलब तो ये गेम काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम है। तो इस गेम को खेलने के लिए कम से कम यार 20GB ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, अगर आप इसको बिल्कुल हाई सेटिंग्स पर खेलना चाहते हैं। तो फिलहाल जिस ग्राफिक्स पर मैं भी खेल रहा हूँ ना, तो वो बिल्कुल नॉर्मल ग्राफिक्स है, उसके बाद हाई है, अल्ट्रा है, तो ये फिलहाल अभी हमारे मिडल ग्राफिक्स चल रहे हैं, और इतने में भी इतनी ज़्यादा रैम कंज्यूम कर रहा है। तो यार भाई बहुत तो यार ये गेम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आप इस गेम का अगर FPS टेस्ट देखना चाहते हैं तो यार इस वीडियो को जरूर देखना, छोटी सी वीडियो है, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई मैंने इस बार। और अगर आप भी इस गेम को खेलना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ये गेम आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस गेम का, तो वहाँ से आप चाहो तो आपको एक छोटा सा सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा, उस सेटअप के बाद आपको अपनी ID वगैरह बनानी पड़ती है उसमें, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके खेल सकते हैं। लगभग 30GB तक का है ये गेम, लेकिन भाई गेम बहुत ही ज़्यादा कमाल का। मैं काफ़ी देर मैंने खेला इसको, 3-4 घंटे खेला था, कहते अच्छे तरीके से मैं भी खेल तो नहीं पा रहा था, लेकिन यार मुझे गेम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इससे पहले एक बार मैंने और खेला था अपने अच्छी पवेलियन में, तब तो फ्रेंड्स सर इतने भी ग्राफिक्स नहीं निकाल के दे पा रहा था, लेकिन हमारा असुस टफेस 17 काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स निकाल के दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप गेम प्ले को एंजॉय करना चाहते हैं तो भाई एंजॉय करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे कई सारे गेम प्लेस की वीडियो डालता रहता हूँ असुस टफेस 17 में खेल के। और असुस टफेस 17 परफॉर्मेंस पूरी, मतलब हम एकदम पूरी परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं इसके सारे ग्राफिक्स को बढ़ा के, हर गेम्स के एकदम ग्राफिक्स को फुल करके। तो इस गेम के ग्राफिक्स हम फुल नहीं कर सकते यार, क्योंकि ये अभी भी, क्योंकि यार ये नॉर्मल ग्राफिक्स में ही बिल्कुल यार इसके 7GB रैम, जो इसका वी रैम होता है ग्राफिक्स का, वो कंज्यूम कर रहा है, तो हम उससे ऊपर जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उससे ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो जाहिर सी बात है ग्राफिक्स क्वालिटी तो बढ़ जाएगी अपने आप ही, लेकिन इसके FPS बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो हम इतनी ही FPS रखते हैं और ग्राफिक्स को नॉर्मल पर रखते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप इस गेम के FPS देखते रहिए और ग्राफिक्स देखते रहिए, कितने अच्छे ग्राफिक्स आ रहे हैं, FPS कितने जा रहे हैं। और मैं GTA 5 की काफ़ी सारी वीडियोज़ डालता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं काफ़ी सारे मोड्स डालता हूँ, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसके बाद फ्रेंड्स मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Your squad mate is in the gulag now. If they survive, they redeploy. You've got gas moving in. Enemy UAV active. Be advised, you have teammates outside the safe zone.
squad mates redeploying to the AO. Enemy UAV overhead. This has been looted. Fight to earn redeployment. Haram, والله حرام. بعد عدي قولك. يحفظك يا غالي. هو وقت يعني. ايه. Turn to base. They hit us hard that time, but we will settle the score.